आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। तो चांद देखने के बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुसलमान कम्युनिटी को एक गिफ्ट दिया, CA नोटिफिकेशन जारी करके। तो सिर्फ मुस्लिम को एक्सक्लूड करके सबको, यानी कि ना वहाँ पे अलाउ किया जा रहा है। हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, तो काफ़ी लोग इसमें प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उनकी नागरिकता पर सवाल उठ जाएगा, आपकी नागरिकता छीन ले जाएगी, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। CAA लागू हो चुका है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं लोग इस पर कड़ा एतराज़ भी जता रहे हैं। और मुमरा शहर में 13 मार्च को रात करीब 10:30 के आसपास में SDPI पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था। ये प्रोटेस्ट मुमरा के दारुल फला से शुरू होकर मुमरा पुलिस स्टेशन तक जाने वाला था, लेकिन आज 13 मार्च है और जो प्रोटेस्ट होने वाला था उसे बताया जा रहा है कि कैंसिल किया गया है। दरअसल क्या पूरा मामला है, SDPI पार्टी के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, गुफरान भाई हैं, रऊफ भाई हैं और भी साथ में उनके हैं। हम बात करेंगे पहले रऊफ भाई से। रऊफ भाई, आज 13 तारीख है, 13 मार्च है, 10:30 SDPI पार्टी के तरफ से CAA के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, क्या हुआ जो है उसे कैंसिल करना पड़ा? जी अस्सलामुअलैकुम सलामुद्दीन भाई, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो हम लोग का आज प्रोटेस्ट था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया मुमरा पुलिस स्टेशन से। जैसे कि 12 तारीख को मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना शुरू हुआ, तो चांद देखने के बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुसलमान कम्युनिटी को एक गिफ्ट दिया, एक सरप्राइज गिफ्ट, CA नोटिफिकेशन जारी कर गए। अब ये CA नोटिफिकेशन जो इन्होंने जारी किया, तो उसमें इन्होंने आप देखोगे तो उसमें सारी कम्युनिटीज 2014 के बाद में, तो सिर्फ मुस्लिम को एक्सक्लूड करके सबको, यानी कि ना वहाँ पे अलाउ किया जा रहा है। तो ये काले कानून को जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, बट हमारे DCP सर, ACP सर और मुमरा के सीनियर साबले साहब ने, उन्होंने आज सुबह में हमारे पार्टी के लीडर्स को बुलाया और बुला के उन्होंने ये बात कही कि ना भाई एक काम करते हैं कि कल का, हमको आज की जो परमिशन थी नहीं मिली उसको हमको कल पे पोस्टपोन कर दिया गया। कल 14 तारीख दोपहर में 2 से 3 बजे हम लोग दारुफला मस्जिद के बाहर हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे और CA के अमेंडमेंट के खिलाफ। तो अभी आपका जो एक वायरल हो रहा है फ़ोटो, उसमें लोकेशन जो दिया गया है वो सिर्फ दारुल फला मस्जिद दिया गया है। इसके पहले आज जो 13 तारीख को होने वाला था, इसका लोकेशन दिया गया था कि प्रोटेस्ट दारुल फला मस्जिद से शुरू होगा और मुमरा पुलिस स्टेशन तक जाएगा, तो इसको भी जो है चेंजिंग किया गया है, सिर्फ दारुल फला मस्जिद पर ही प्रोटेस्ट होगा। जी असल में जो हमको वहाँ से लीडर की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है, तो सिक्योरिटी रीज़न और जैसे आपको पता होगा कि मुमरा में कुछ रीज़न की वजह से हम लोग को उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया गया और कहा कि नहीं आप एक जगह पे स्टैंड अलोन प्रोटेस्ट कीजिए यहाँ पे खड़े रह के। तो हम लोग बस वही करने वाले हैं क्योंकि हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं और सारे डिपार्टमेंट को की भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ऑर्डर्स के, उनके कमांड्स के, तो डेफिनेटली जो कह रहे हैं तो हम लोग एक जगह पे दारुल फला करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि शहर के सारे फिक्रमंद लोग एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आके, क्योंकि ये सिर्फ एक मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, आप समझिए कि 2014 के बाद का जो नोटिफिकेशन CA का है, इसमें जो पिछड़े लोग हैं, दलित समाज है और किसान हैं जो गांव देहात में रहते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाए अपने डॉक्यूमेंट्स के, तो काफ़ी लोग इसमें प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उनकी नागरिकता पर सवाल उठ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं देश की डेवलपमेंट में हर कोई अपना योगदान दे रहा है, और उस जगह पर अगर आपको कह दिया जाए कि आपकी नागरिकता छीन ले जाएगी, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
तो उस लिए हम लोग इस प्रोटेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए हम रस्ते पे उतर रहे हैं। आप भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आके इसमें हमारा सपोर्ट करें। तो आपने सुना कि आज जो प्रोटेस्ट होने वाला था वो कहीं ना कहीं जो है कैंसिल किया गया, और कल दोपहर 2 बजे के आसपास में दारुलफला पर ही प्रोटेस्ट किया जाएगा। हालांकि जो प्रोटेस्ट इनका था वो दारुलफला से लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन तक था, और पुलिस से HDPI पार्टी के तरफ से जो मेंबर है इन लोगों के बीच में एक मीटिंग हुई। पुलिस ने कुछ सिक्योरिटी रीज़न बताया और उसके बाद इन्होंने भी उनके ऑर्डर को फॉलो किया, और जिस तरह से इन्हें पुलिस के तरफ से कहा गया उसी के अनुसार ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं CAA के ख़िलाफ़। कल दोपहर 2 बजे के आसपास मुमरा के दारुलफला मस्जिद के पास में HDPI पार्टी के तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया है।